7 न्यूज लगातार हम मेरठ के हर पेट्रोल पंप पे जाके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो डीएम सर ने आदेश जारी किया है कि बिना हेलमेट के और सीट बेल्ट के किसी को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, उस आदेश को डीलर्स किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं अपने पेट्रोल पंप पे और जो मूलभूत सुविधाएं कस्टमर्स को या आम लोगों को दी जाती हैं वो किस तरह से मिल रही हैं। क्योंकि आपको बता दें कहीं ना कहीं शिकायतें आ रही हैं लगातार और कंप्लेंट आ रही हैं क्योंकि मूलभूत सुविधाएँ जो होती हैं जैसे कि शौचालय गंदे मिले, ताला मिलता है शौचालयों का, लेडीज़ शौचालय भी बहुत ज़्यादातर बंद मिलता है, इसके अलावा हवा के लिए बंदा मौजूद नहीं होता, या इसके आपको बता दें पानी भी ठंडा नहीं होता, आरओ ख़राब हुआ होता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं मूलभूत सुविधाओं में जो जिसको लेकर कस्टमर कंपनी के नंबर पर कंप्लेंट करते हैं या DSO सर के यहाँ पर जाकर वो एप्लीकेशन देते हैं। इसी के चलते आज हम पहुँचे हैं कृष्णा फिलिंग स्टेशन पर और जिनके डीलर हैं प्रमोद कुमार चौधरी जी, उनके दूसरा पंप भी है सर का जो हापुड़ में है, उसका जो नाम है महालक्ष्मी फिलिंग स्टेशन, और हमारे साथ मैनेजर हैं परवेज आलम जी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और सर भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, सर का थोड़ा मुंह में दिक्कत है, जैसे बोलने में थोड़ी दिक्कत है, और यहाँ पर जो मैनेजर हैं वो हमें बताएंगे कि किस तरह से वो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं और DM सर के आदेश को अपने दोनों पेट्रोल पंप पे वो लगा रहे हैं। सर नमस्कार सर। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि जैसे शिकायत मिलती है कि हवा के लिए बंदा नहीं है या हवा का ताला लगा हुआ है, तो आपके यहाँ पर क्या स्थिति है? सर हमारे यहाँ पर हर तरीके से सुविधा है, हवा की पूरी तरीके से, कस्टमर है उनके लिए भी हवा है और जो आम जन है उनके लिए भी हवा है, उसके लिए आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। सर ऐसा तो नहीं है कि खाली कस्टमर को देते हो और आम लोग आए उनको मना करते हैं? ना ऐसा हमारे सर यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ पर और आम आदमी भी आता है तो उसके लिए पूरी सुविधा है, जैसी कस्टमर के लिए सुविधा है ऐसे ही आम आदमी के लिए, आदमी कोई भी आस पास का कोई भी आदमी आता है तो सबके लिए खुली सुविधा है हमारे यहाँ पर। दूसरा सवाल है कैसे किसी शिकायत मिलती है कि आरओ खराब हो रहा है या पानी ठंडा नहीं है या मिनरल वाटर जो उसमें प्योरीफायर खराब होते हैं फिल्टर वो खराब हो रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत दिक्कतें आती है, कस्टमर शिकायत करता है, आपके यहाँ पर क्या स्थिति? सर हमारे यहाँ पर फुल्ली ठंडा पानी है, हमारे यहाँ हर महीने आरओ के फिल्टर चेंज होते हैं और हर महीने सर्विस कराते हैं हम पूरी तरीके से अपने आरओ की, और हमारे यहाँ पर पानी की पूरी सुविधा है, ठंडा पानी हमारे यहाँ अवेलेबल है 24 घंटे। ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो लोगों को मतलब सर्विस? हाँ सर उसके लिए भी हमारे यहाँ सर्विस है, हमारा एक सेल्समैन उसके लिए अलग से वो करता है, पानी को सर्व करता है कस्टमर के लिए, मशीन पर ही धूप ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए सुविधा है हमारे यहाँ पर, कस्टमर को हम तेज वहीं पर ही पानी की सुविधा देते हैं मशीन पर ही। आपको सवाल है कई जगह शिकायतें मिलती है कि जब कस्टमर जाता है या आम लोगों को सेल्समैन या मैनेजर मना कर देते हैं कि भाई आपके लिए शौचालय हमारे कस्टमर के लिए है, तो यहाँ पर क्या स्थिति है शौचालय की? हमारे यहाँ सर हर जन के लिए पूरी सुविधा है, हमारे यहाँ हमारे जो शौचालय है पूरी तरीके से स्वच्छ है, हमने एक सफाई कर्मी भी रखा हुआ है 12 घंटे के लिए पूरा, और उसके लिए हर किसी के लिए पूरी तरीके से साफ सफाई रखी का ध्यान रखा जाता है विशेष इस चीज़ पर। हाँ जी सुबह से लेकर शाम तक डेली रहता है, सुबह 7 बजे से लेकर दोनों पंप पर, कृष्णा फिलिंग स्टेशन पर भी और महालक्ष्मी फिलिंग स्टेशन पर भी, दोनों पंपों पर हमारे। फोर्थ क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ कि कई जगह शिकायत मिलती है कस्टमर जब बोलता है कि मुझे जांच करनी है, मुझे डाउट है आपके पेट्रोल में मिलावट है या धांधलीबाजी है, तो वहाँ पर फिल्टर पेपर और डेंसिटी जांच की जाती है। जी जी लेकिन वो सेल्समैन उसको भगा देते हैं, गाली गलौज करते हैं, यहाँ पर क्या? सर हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हमारे यहाँ हर अपने कस्टमर के लिए डेंसिटी की पूरी सुविधा और फिल्टर पेपर की जांच पूरी तरीके से दिखाई जाती है, किस तरीके से फिल्टर पेपर पर जांच होती है वो भी बताया जाता है कि 2 बूंद फिल्टर पेपर की और 40 सेकंड तक के लिए रखा जाता है, अगर उस पर कोई दाग आता है तो मिला धांधलेबाजी, अगर नहीं आता है तो बिल्कुल क्लियर है हमारे यहाँ पर, जी फुल क्वालिटी और फुल क्वान्टिटी हमारे यहाँ पर दी जाती है। मैनेजर साहब मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी DM सर ने हाल ही में आदेश जारी किया है कि बिना हेलमेट के और सीट बेल्ट के इसको पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो उस आदेश को अपने दोनों पेट्रोल पंप पे कैसे लगा रहे हैं? सर उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो आ रहा है कस्टमर को वापस भी कर रहे हैं हम, उसके लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो कि उसके लिए हमने बैनर भी लगाया हुआ है कि और हम उसके लिए बिल्कुल पूरी शक्ति मैं कैमरे में से चाहूँगा जरा कैमरा घुमाए एक बार दिखाई, देखिए जो हेलमेट पहन रहे हैं उन्हीं को यहाँ पर तेल दिया जा रहा है, आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर 4,000 कस्टमर जो है हेलमेट लगाए हुए हैं और उनको तेल दिया जा रहा है, और जो बिना हेलमेट के आए वो आप देख सकते हैं सामने, सरकार आदेश जो है पूरी तरह से लागू हो रहा है। हेलमेट वालों को ही तेल मिल रहा है सर हमारे यहाँ पूरी तरीके से, ऐसे बिल्कुल हम पूरी तरीके से जागरूक कर रहे हैं कि DM साहब का जो आदेश है उसका पालन करे आमजन, हर कोई आने वाला जो टू व्हीलर्स पर आते हैं उसके लिए हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं हम उसके लिए। तो सर कहीं ना कहीं इसमें लोगों में जागरूकता भी मिल रही है, लोग लगा के आने भी लगे हैं, बहुत लोगों में बढ़ रही है, काफ़ी इंक्रीज हो रहा है इस चीज़ के लिए, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं लोग भी, जनता जागरूक हो रही है इस चीज़ के लिए भी। बेनिफिट है वो खुद
वो उनकी उनकी उनका उनकी फैमिली का की प्रोटेक्शन है, उनकी प्रोटेक्शन है, उसके लिए उन्हें उन्हें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, इनमें उनका ही बेनिफिट है कस्टमर का ही। थैंक यू सर। तो यहाँ पर आपने देखा जो मैनेजर हैं परवेश आलम जी, उनका साफ बयान आ चुका है और सर भी हमारे साथ ही बैठे हैं, उनके सामने उनके उन्होंने ये बयान दिया है कि जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो तो सारी कस्टमर्स को यहाँ मिल रही है, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट आरओ मिनरल वाटर हो, कूल्ड वाटर हो, फ्री ऑफ कॉस्ट एयर हो, वो भी हम लोगों को दी जाती है। शौचालय हमने भी देखे यहाँ पर, अच्छे शौचालय हैं, सफाई कर्मचारी मौजूद है, साफ सुथरे शौचालय हैं, लेडीज जेंट्स विद साइन बोर्ड। इसके अलावा आप सीधे हमने दिखाया, आपको तस्वीरों में दिखाया कि बिना हेलमेट के किसी को यहाँ पर तेल नहीं दिया जा रहा, बैनर सर ने लगा रखा है। और अगर हम डीएम सर के आदेश की बात करें तो उस नियम को, उस आदेश को यहाँ पर दोनों पेट्रोल पंप पे सर ने पूरी तरह से लागू कर रखा है और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं ताकि भविष्य में उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो, अगर दुर्घटना हो जाती है तो वो बच जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो हेड इंजरी से घटनाएं होती है, मृत्यु होती है, वो हेड इंजरी से ही होती है। इसलिए जो डीएम सर ने आदेश जारी किया है वो यहाँ पर पूरी तरह से लागू है। मैं कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह, आईएसएन 7 न्यूज़। मेरा नाम प्रमोद कुमार चौधरी, फिल्म स्टेशन तिलकना, फिल्म स्टेशन महालक्ष्मी आपूर दोनों पंप के हर आदमी को मैं हर दिन की शुभकामना देता हूँ नवरात्र।